पर। बीते दिनों जालौन में गिरफ्तार हुए भाजपा के निष्कासित उपाध्यक्ष के मामले में सपा नगर अध्यक्ष छोटू टाइगर ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज SDM पहुंच अशोक कुमार के माध्यम से राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश शासन से ज्ञापन के माध्यम से मांग की इस कुकर्म की घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और इसमें कई भारतीय जनता पार्टी के सफेद पोश नेता भी शामिल हैं। छोटू टाइगर ने आरोप लगाया कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ये कुकर्मी नगर उपाध्यक्ष व सत्ता की हनक में यह लंबा खेल खेला जा रहा था। ऐसे कुख्यात आरोपी को फांसी की सजा दिलाई जाए और उन पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाए। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, 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 बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, योगी सरकार मुर्दाबाद, 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 योगी सरकार के गुंडा मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार के नगर उपाध्यक्ष मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज ये जो SDM साहब को ज्ञापन दिया है किस संबंध में दिया है? हम लोगों ने आज SDM उपजिलाधिकारी महोदय को राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है जिसमें कोंच नगर में भारतीय जनता पार्टी के नगर उपाध्यक्ष राम बिहारी राठौर द्वारा जो गंदा खेल खेला गया है, कई बच्चों और महिलाओं को कई सालों से अपने घर बुलाकर उनके साथ अश्लील वीडियो बनाकर उनके साथ जो गलत काम करता था, इस संबंध में हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को समाजवादी पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया है। क्या मांग रखी है अपनी? हम लोगों ने ये मांग रखी है कि जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें 50-50 लाख की सहायता राशि दी जाए और इसमें कई भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, उनका नाम उजागर कर खुलासा का पर्दाफाश किया जाए और दोषी को फांसी की सजा दी जाए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।